मैं हूँ राम कैलाश शर्मा और आज हम आप सबको बताएंगे फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, ठीक है। और इससे पहले जो हमने आपको बताया था लेंस मेकर फार्मूला, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड के लिए और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको दोनों पर जो है न्यूमेरिकल बताएंगे इससे अगली वाली वीडियो में। तो सबसे पहले इसको आप देख लीजिए, हमने यहाँ पे दो थिन लेंसेज लिए हैं। लेंसेज कैसे हमारे बहुत ही थिन हैं, दो पतले लेंस हैं जिनको हमने क्या कर रखा है, कॉन्टैक्ट में रखा है, ठीक है। अब जब कॉन्टैक्ट में रखा है, एक लेंस L1 बोला है, दूसरे को क्या बोला, L2 बोला है। एक की फोकल लेंथ F1 कहेंगे, इस वाले की फोकल लेंथ, पहले वाले की फोकल लेंथ F1 और दूसरे वाले की फोकल लेंथ क्या लेट कर लेंगे, F2 लेट कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ये और ये आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है, पहले वाले का ये, दूसरे वाले का ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट है क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस पर आपने पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने प्लेस किया है। रे ऑफ लाइट स्टार्ट हुई है, रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि दोनों लेंस बहुत ही पतले हैं, बहुत ही थिन है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो फर्स्ट वाले से पास करने के बाद सेकंड वाले पे पड़ गई। सेकंड वाले में भी बेंडिंग होगी, यहाँ पे आपको दिख जरूर रहा है कि स्ट्रेट जा रही है, लेकिन सेकंड वाले में भी बेंडिंग होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, और फिर ये जा करके यहाँ पे मिल जाएगी। अगर वही पुरानी वाली बात बोल रहा हूँ कि अगर ये वाला नहीं होता तो ये कहाँ जाती, आई डैश पे जाती, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो ओ है उसकी इमेज कौन सी है, आई डैश है, और ये कैसी है, वर्चुअल है, बिल्कुल पुराने वाले जैसा है, वर्चुअल इमेज है। और ये इमेज इस L2 के लिए क्या करेगी, एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगी, जिसकी रियल इमेज क्या बनेगी, आई बनेगी, रियल इमेज आई बन गई। अब कंसीडर कर लेना है कि कंसीडर द टू थिन लेंसेज L1 एंड L2 ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2 आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट एंड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट O एंड द रे ऑफ लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स फ्रॉम द वर्चुअल इमेज आई डैश एंड दिस वर्चुअल इमेज आई डैश एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2 एंड फ्रॉम द रियल इमेज आई। नाउ वी अप्लाई द लेंस फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लेंस, अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला फॉर L1 के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या, 1/F1=1/V-1/U, क्योंकि लेंस फार्मूला आप जानते हैं क्या है, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/F=1/V-1/U, ये क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है, जहाँ पर V क्या है और इमेज डिस्टेंस है, U क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, F क्या है लेंस की फोकल लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले लेंस के लिए आपने अप्लाई किया, ये मिल गया, क्लियर। अब काम क्या करना है कि हमने कहा जो आई डैश है, आई डैश इज एक्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर L2, ठीक है, एंड फॉर्म्स रियल इमेज आई। तो इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/F2=1/ इमेज डिस्टेंस इज वी माइनस, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम सेलेक्ट कौन सी करेंगे, क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी डैश। अब आप कहेंगे सर ये वी डैश जो है वो यहाँ से है और आप लेंस L2 के लिए ले रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि लेंस बहुत ही थिन है, मतलब उनके बीच का जो गैप है वो क्या है, निगलिजिबल है, इसलिए हम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करेंगे वो वी डैश करेंगे, तो 1/V-, ये दोनों इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, देन वी गेट व्हाट, ये और ये कैंसिल हो गया, ऐड करने पर बचा क्या, 1/F1+1/F2=1/V-1/U। अब आपको मिला क्या, ध्यान से देखो, आपने जब दोनों को जोड़ा फाइनली आपको 1/V-1/U मिला, मतलब जब आप दो
थिन लेंसेस को कॉन्टैक्ट में प्लेस करते हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आती है वो भी एक सिंगल लेंस जैसी आ रही है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज बिहेव्स एज ए सिंगल लेंस। तो हम यहाँ पर इस बात को मेंशन कर देंगे क्या इफ वी रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस बाय अ सिंगल लेंस, सिंगल लेंस ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैपिटल एफ, देन वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ये इक्वेशन थर्ड बना, इसको हमने इक्वेशन फोर कह दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर क्या मिल गया, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू। मतलब अगर हम दो लेंसेस को, दो थिन लेंसेस को कांटेक्ट में रखते हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ आती है वो इस नेचर में आती है कि उनकी जो फोकल लेंथ है उनका सम मिलता है। जैसे कि यहाँ पे वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू आया है और जो पावर हो जाएगा पी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, वन अपॉन एफ होता है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है लेंस में, डॉप्टर होती है। ठीक है, अगर आप मीटर में इसको रखते हैं फोकल लेंथ को तो P इक्वल्स टू वन अपॉन एफ रहता है, और अगर सेंटीमीटर में रखते हो तो क्या लिखा जाता है, हंड्रेड अपॉन एफ लिखा जाता है। ठीक है, जब एफ किस में हो, सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ के लिए ये और पावर के लिए इसी चीज़ को आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या कर दिया, पी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू प्लस, ऐसे अगर एन नंबर ऑफ थिन लेंसेज कॉन्टेक्ट में रखे हों तो उनके लिए आप लिख देंगे पी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू प्लस डॉट 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 पी एन। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका सबकी पावर का सम हो जाएगा। ठीक है, और फोकल लेंथ इस तरह से इस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। थैंक यू।